कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज है जी तकरीबन ईद का चौथा दिन और आज है जी हमारी वापसी का दिन। तो हम लोग जा रहे हैं जी वापस लाहौर। ख़त्म हुई ईद, ख़त्म हुई मौजें, छुट्टियां, सब कुछ ख़त्म हो गया और बस अब वही लाइफ, वही बिज़ी लाइफ, तन्हाई और बस मसरूफियात और ये वो सब कुछ शुरू हो गया। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये वाला ट्रिप। अब्दुलहद बहुत ज़्यादा, अब्दुलहद ने माशाल्लाह से इंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे ये अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब दोबारा बहुत देर बाद ही मौका मिलेगा इतनी सारी छुट्टियों का कि हम लोग आएँ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि ऐसा ही होता है मोस्टली ईद पे भी कि हम लोग ईद से एक दिन पहले आते हैं और बस ईद गुजार के फ़ौरन से वापस चले जाते हैं। तो अब बहुत टाइम बाद इस तरह से मौका मिलेगा, लेकिन अभी है आगे इंशाल्लाह, शादी आ रही है तब हम बहुत सारा इंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी बहुत सारा इंजॉय करवाएंगे और बहुत मज़े करेंगे। और ये अब्दुलहद भी आ गया है, अब्दुलहद रेडी हो गया है जाने के लिए, वापस जाने के लिए रेडी हो गया है। लाहौर जा रहे हो अब्दुलहद? हाँ लाहौर जा रहे हो, चाहिए कहा? अच्छा हाँ, अब्दुलहद जा रहे हैं वापस। अभी इसको पता नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है, ये इसको वापस जाके पता चलेगा। तो चले बस चलते हैं, मिलना मिलाना करते हैं और निकलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे बस हम लोग कर रहे हैं जी तैयारी निकलने की अपनी। तकरीबन हमारी ना 12 बजे की सीट्स थी और हम लोग 9 बजे उठ गए थे और बस हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। आज नाश्ता हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा लिया था, नान चने मंगवा लिए थे और नाश्ता कर लिया था। बस उसके बाद रेडी हो गई थी और बस थोड़ा जो छोटा मोटा काम था वो किया और उसके बाद बस हम लोग यहाँ पर मीट कुक कर रहे थे बंद। और मीट को इस तरह से बंद करना पड़ता है क्योंकि ये बस वगैरह में ना अक्सर ऐसा होता है कि नहीं लाने देते हैं, मना कर देते हैं। तो बेहतर यही होता है कि इस तरह से बंदा रख ले ताकि उनको पता ही ना चले कि ये है क्या। तो खैर खाने वाले में ना टैक्सी वगैरह मिलना तो बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पे ना ऊबर इन ड्राइवर वगैरह कोई इस टाइप का भी सीन नहीं है और यहाँ पे बंद रिक्शे भी नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे ना ये चिंग चिंग में ही बैठ के आना पड़ता है। तो खैर उसी में बैठ के हम लोग आ गए थे यहाँ पर और बस से शुक्र है कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, फ़ौरन से ही हमारी बस आ गई थी और हमने बस सामान वगैरह रखवाया और उसके बाद जी बस बैठ गए हम और सफ़र हमारा हो गया जी शुरू। अच्छा, मुझे ये कहना था कि पिछले दिनों जब मैं खानेवाल में थी ईद के डेज़ में, बहुत सारे मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहे हैं, सब इस बात पे एतराज़ करते होते थे कि आप मतलब मसरूफ़ रहती हैं, जवाब नहीं देती हैं। तो इतनी मसरूफियत होती थी ना, लिटरली वहाँ पे मुझे मौका ही नहीं मिलता था कि मैं मोबाइल पकड़ के ना तो मैसेजेस देखूँ या मतलब कोई बातचीत करूँ। आप यकीन करें, मैं जितने दिन खानेवाल रही हूँ ना, शायद ही एक दिन मैंने अपनी मम्मा से बात की है, मेरी उनसे भी बात नहीं हुई। मैं इतना मसरूफ़ हो जाती हूँ वहाँ जाके। और सेकंड ये कि मैं इंस्टाग्राम ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे याद भी नहीं रहता कि इंस्टाग्राम पे भी कोई मैसेजेस वगैरह आए होंगे, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा उसको खोलती ही नहीं हूँ। खैर यहाँ पे सफ़र हमारा चल रहा है, अब्दुलहद उठा था लेट, उसने नाश्ता नहीं किया था, तो उसके लिए ना मैंने जो बिरयानी बनाई हुई थी ना वही मैं ले आई थी। मैंने कहा इसको रास्ते में खिला दूँगी, तो अब्दुलहद को मैंने बिरयानी खिला दी थी थोड़ी सी और साथ में आपको पता है कि स्नैक्स बॉक्स में मिल जाते होते हैं, तो मैंने तो वही थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लिया था। और वैसे भी मैं नाश्ता करके आई हुई थी तो इतनी ज़्यादा कोई तलब थी नहीं कुछ खाने पीने की। तो खैर जी बस यहाँ पे मौसम अच्छा हो रहा था, कभी धूप कभी छाँव, कोई ऐसा ही मौसम था। तो उसके बाद जी आपको पता है थोड़ा सा स्टे भी होता है यहाँ पे, फिर मैं रुक गई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा ना थक गई थी बैठी बैठी, तो फिर मैं बाहर निकली, मैंने कहा चलें कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। लेकिन एज़ यूजल अब्दुलहद की नज़र पड़ गई जी टॉयस पर और हम लोग भागे मार्ट से बाहर। हमने कहा इससे पहले कि अब्दुलहद टॉयस के पास खड़ा हो जाए और हम बस मिस कर दें, क्योंकि अब्दुलहद अगर टॉयस के पास चला गया तो फिर तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो खैर बस यहाँ पर थोड़ा सा स्टे था और उसके बाद हम लोग वापस चले और फिर सफ़र स्टार्ट। और बस उसके बाद जी हमारा लाहौर आके ब्रेक होता है और बस यहाँ पे हम लोग चले और उसके बाद घर पहुँच चुके थे। घर आते तक मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। घर आके भी एक तो इतना मेरा माइंड अपसेट हुआ ना घर की वो हालत देख के, तो बस आते ही ना सफाइयों में लग गई और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, पूरा का पूरा घर साफ़ किया, हर चीज़ धोई और उसके बाद जाके बेडशीट वगैरह चेंज की और फिर अब्दुलहद को मैंने सुलाया।
बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे आते साथ, लिटरली मैं बैठी बाद में और मैंने सफाइयाँ वगैरह पहले स्टार्ट कर दी थी। तो फिर खैर जी हम लोग मामा से मिलने चले गए थे और वापसी पे कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, जैसे अंडे ब्रेड वगैरह को इस टाइप की चीज़ें, और अब्दुलात के लिए एक आधा जूस ले लिया था वो जो कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, दूध दही वगैरह भी लेना था लेकिन यहाँ से हमें मिला नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लिया। साथ में जी फ्रूट ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये मैंगो आजकल चल रहे हैं आपको पता है, तो मैंगो का शेक पीना होता है हम लोगों ने, और साथ में अब्दुलात के लिए बनानास लेने होते हैं, तो बस यही सब चीज़ें ले ली। तो आज का व्लॉग बस ऐसे ही चल रहा है। तो आज हम क्योंकि अभी वापस आए हैं, आते साथ तो मैं चूल्हा नहीं जला सकती थी, खाना नहीं बना सकती थी, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। तो फिर रात का खाना पीना हम लोगों ने बाहर से ही मतलब खा लिया था, फूड पांडा से मैंने सोचा ऑर्डर कर देती हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आया मुझे, तो इसलिए फिर हम लोग खुद ही लेने चले गए थे। तो बस हम लोगों ने बर्गर लिए थे, हस्बैंड ने मेरा चिकन बर्गर लिया था और मैंने जिंगर बर्गर लिया था। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि मैं चिकन बर्गर चिकन शॉर्मा वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं जिंगर को ही प्रेफर करती हूँ। तो बस यही हम लोगों ने खा लिया था और हमारा आज का दिन यहीं पर इख्तिताम हुआ जाता है और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है जी, यहाँ से अगेन क्लिनिंग के साथ। और नेक्स्ट डे आज मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, पूरे घर के मतलब जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं ना, एक तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग होने वाली थी सारी, मैंने वो साफ़ किया फ्रिज अच्छी तरह से, क्योंकि मीट रखना था तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि पहले साफ़ हो जाए उसके बाद मीट रखा जाए। और उसके अलावा जी ये सॉरी किचन की ये बास्केट जो होती है प्याज टमाटर वाली, आलू वगैरह जिसमें रखने होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे ना वो छिलके होते हैं ना प्याज के, जब प्याज हम रखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे छिलके उतर के ना, तो वो थे इसके अंदर, मैंने कहा इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके और फिर ये सब्ज़ी वगैरह मैंने मंगवाई हुई थी वो रखूँगी इसके अंदर। और साथ में जी मैट शीट जो होती है बिछाने वाली जिस पे हम खाना रखते हैं वो भी मैंने कहा साथ ही साथ क्लीन कर देती हूँ। तो अच्छी तरह से ना आज बस सारा क्लीनिंग डे है, वापस आते साथ ही ड्यूटी शुरू हो गई है, एक सेकेंड का भी जो है ना वो टाइम नहीं है। तो बस आप देख लें कि इतनी मसरूफियत में मैं कहाँ मोबाइल पकड़ूँ और मैं वीडियो बना लेती हूँ, मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, यही बहुत बात है यार। तो जनाब जब किचन और फ्रिज की क्लीनिंग हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि साथ हम रूम्स को छोड़ दें या किचन को छोड़ दें, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे भी जब पानी मैं उधर यूज़ कर रही थी मैंने सेहन में नहीं धोया था क्योंकि मैं फ्रिज धो साफ़ कर ही रही थी ना, तो मैंने ना वहीं पास बैठ के ना सब चीज़ें वॉश कर ली थी, मैंने कहा क्या मैं सेहन में जाऊँ और गर्मी भी ज़्यादा लगेगी और काम भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो बेहतर है कि अंदर ही बैठ के कर लेते हो। साथ में क्लीनिंग तो हुई हुई थी जिस दिन मैं आई थी आपके साथ ही मैंने क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन चले अब यहाँ पे दोबारा हो जाएगी अच्छा है, बल्कि अब्दुलहत खेलता रहता है तो उसके लिए भी बेस्ट है कि क्लीनिंग रहेगी। तो खैर यहाँ पे सब्ज़ी भी आ चुकी थी, ये प्याज टमाटर आलू वगैरह सब कुछ मंगवाने वाला था, सब मैंने मंगवा लिया, साथ सब्ज़ी मंगवा ली थी। मैंने सोचा कि आज हम मीट नहीं बनाएंगे क्योंकि ईद के तीनों दिन हम लोगों ने इतना मीट खाया ना, वैसे इतना ज़्यादा खाया नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खा लिया ना, तो अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मीट खाने का। तो मैंने कहा कि आज हम बनाते हैं जी सब्ज़ी और नेक्स्ट डे देखेंगे कढ़ाई वगैरह या पुलाव कुछ भी बनाना होगा तो वह नेक्स्ट डे बना लेंगे। और मीट बनाने के लिए ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे पास नहीं है, वैसे भी बन जाता है लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैंने कहा ये होना चाहिए मेरे पास और अब मैं ले आती हूँ। तो मैं ना लेने गई थी प्रेशर कुकर बाज़ार से, वैसे मैं ऐसे ही बना लेती होती थी पहले मतलब बॉयल कर लेती थी लेकिन इतनी इतनी देर लग जाती है ना, तो मैंने कहा बस अब इस काम से जान छुड़ाओ, इंसान को जल्दी जल्दी वाला काम करना चाहिए। तो मैं फिर लेने गई जी प्रेशर कुकर और यहाँ पर मैं देख रही थी साइज़, वैसे मुझे तो छोटा वाला मतलब काफ़ी आई ना है, 5 लीटर वाला ही मैं सोच के गई थी लेकिन फिर मैं ले आई 7 लीटर वाला। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा फ़र्क है, कभी इंसान को ज़रूरत पड़ ही जाती है कि ज़्यादा मतलब बनाना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने ना ये साइज़ थोड़ा बड़ा वाला ले लिया। और साथ में जी मुझे रोटी के लिए रुमाल एक्सेट्रा चाहिए थे, वो रुमाल ले लिए मैंने, 2-3 रुमाल ले लिए थे बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के, एक रेड कलर में है ये जो ये मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है ये वाला, और साथ में जो ना ब्लैक कलर में एक मैंने ले लिया था, मैंने कहा ये कलर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, मतलब जल्दी गंदे नहीं होते हैं वरना उसमें ना चिकनाई चिकनाई फील होने लग जाती है, तो इसीलिए मैंने ये कलर ले लिए। तो खैर यहाँ पे थोड़ी सी किचन की शॉपिंग भी हो गई, घर जाके मैं आपको प्रेशर कुकर भी दिखा दूँगी प्रॉपर पूरी तरह से। वैसे ये है कि मैं यहाँ पे ले तो आई हूँ लेकिन मैंने ना ये चेंज करवाना है क्योंकि मुझे ये साइज़ ना सही नहीं लग रहा है, मुझे छोटा साइज़ ही सही लगेगा सही रहेगा, तो मैं वो चेंज करवाने जाऊँगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि चेंज करवा के फिर मैं क्या लेके आती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कढ़ाई वाले जो आजकल कुकर चले हुए हैं ना, कढ़ाई जो मतलब कढ़ाई शेप में है और होते वो प्रेशर कुकर ही हैं,
तो मैं सोची उस तरह का ले लूँ, वो प्यारा लगता है और वीडियो में भी बड़ा अच्छा नज़र आएगा ना, आपको क्लियर नज़र आएगा उसके अंदर क्या बन रहा है। तो अब देखते हैं कि चेंज करवा के मैं क्या लेती हूँ। तो अब नेक्स्ट डे ही चेंज करवाऊँगी क्योंकि रात तो हो ही चुकी थी जब मैं ये लेके आई हूँ, तो उस टाइम फ़ौरन से मैं जा नहीं सकती थी। तो खैर, ये सोनेक्स का प्रेशर कुकर है, ये इस तरह से ओपन होता है, आपको पता ही है ज़ाहिर है। साथ में इसका इसके अंदर वेट भी था, ये वाला जो इसके ऊपर लगता होता है, जो मेन काम होता है ये वेट ना हो तो आपका कुकर बिल्कुल फारिग हो जाता है। और एक इसके अंदर होता है जी रबड़, जो रबड़ भी ना हो तो आपका कुकर बिल्कुल फारिग है। साथ में जी इसका एक कार्ड है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, जिसको प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना आता वो कार्ड पढ़ें और सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आप क्या क्या पका सकते हैं, कितनी देर के लिए पकाना है, कैसे इसको यूज़ करना है, सब कुछ इसके साथ ही है। तो खैर, खाना हमारा बन रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया सब्ज़ी मंगवाई थी, और मेरे हस्बैंड को तोरियाँ पसंद इतनी हैं कि जब भी उनको भेजो सब्ज़ी लेने के लिए तो वो तोरियाँ ले आते हैं उठा के। तो खैर, यहाँ पर तोरियाँ हो चुकी थी जी रेडी, और बस इसको मैंने गार्निश कर दिया धनिया के साथ। तोरियाँ बहुत मज़े की बनी हुई थी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।